आज हमारी जिंदगी में सैम दोबारा से आया है। हम सबकी दुआएं हैं उसके साथ। एनी हमारे छोटे से गांव में पलकर बड़ी हुई, आज वो बहुत बड़ी हो गई है, सिंगिंग स्टार। हमें राज और एनी की कामयाबी पर खुशी है, लेकिन उनके जाने का दुख भी। ऐसे मौके पर मैं चाहता हूं, मैं क्या, हम सब चाहते हैं कि जोसेफ यहां पर आए और हम सब से अपने दिल की बात कहे। जोसेफ आओ, जोसेफ। अरे शर्माओ नहीं, चलो, सब लोग तुम्हें सुनना चाहते हैं, खड़ो जाओ। हाँ चलो। अरे आज मैं बहुत खुश हूं। मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि आप सब मुझे सुनना चाहते हैं। मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन अब शब्द खो रहे हैं। बचपन से मैं हमेशा यही सुनता आया हूं कि मैं नाकाबिल हूं। लोग मेरे घर आते हैं, मुझे देखते हैं, कहते बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, हमदर्दी जताते। कुछ लोग मजाक उड़ाते, हंसते मुझ पर, लेकिन आज मुझे ईश्वर से कोई शिकायत नहीं कि मैं ऐसा हूं। मैं खुश हूं, क्योंकि मैं सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, इसलिए मुझे मिली मेरी फ्लेवी। मुझे मेरी फ्लेवी पे नाज है। मेरी जिंदगी में मैं सही था या गलत, लेवी ने हमेशा मेरा साथ दिया है। लेवी मेरी जिंदगी में सूरज की रोशनी की तरह है। कभी नरम छांव तो कभी कड़कती हुई धूप। लेकिन तू हमेशा ऐसे ही चमकते रहना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। थैंक यू। लेवी ने मुझे मेरी जिंदगी का सबसे हसीन सपना दिया, हमारी बच्ची एनी। एनी का हमारी जिंदगी में आना खुशकिस्मती थी, लेकिन उसके लिए बदकिस्मती। हमने एनी के जिंदगी के कुछ हसीन पल छीन लिए, वो हमारी आभास बन गई। उससे हमने बहुत मेहनत कराई, उस छोटी सी बच्ची को मैं सब पेशन ले जाया करता था। पांच का दो डांटता था, कहता था मुस्कुराओ, जोर से बोलो। और जब वो मां बनने वाली थी, मैंने उसे घर से निकाल दिया। लेकिन उसने कभी कुछ नहीं कहा, मुफ्त तक नहीं बोला, खामोश रही। मुझे माफ कर दो। थैंक यू। और फिर ईश्वर ने एनी के लिए राज को भेजा। राज घोड़े पे आया और एनी को ले गया। राज ने उसे इतनी खुशियां दी जो हम कभी उसे नहीं दे पाए। मैंने हमेशा राज से नफरत की, मुझे नहीं मालूम क्यों। मैं नहीं बोल पाऊंगा,
आपको क्या लगता है, पेड़ बोल सकते हैं, सुन सकते हैं? जरूर सुन सकते हैं। वैसे ही मैं और फ्लेवी बोल सकते हैं, सुन सकते हैं। मैंने ही बात की है पेड़ों से, पूछता हूं कैसे हो, मां बाप अच्छे हैं?